आईफोन में ऐप में लॉक कैसे लगाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि आपका जो आईफोन है उसमें कुछ ऐसे ऐप होते हैं जिनको जो है आपके फ्रेंड या फिर फैमिली मेंबर वाले लोग जो है इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं अगर आपका जो आईफोन है वो पा जाते हैं तो। ठीक है, तो आप कैसे अपने आईफोन में किसी भी ऐप में आप लॉक लगाना चाहते हो तो कैसे लगा सकते हो वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप जो है शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको जो अपने आईफोन में यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं आता जिससे कि आप जो ऐप को लॉक कर सको, तो अब आपको करना क्या है, आपको जो अपने आईफोन में एक ऐप डाउनलोड कर लेना है, उसी से हम जो है यहाँ पे किसी भी ऐप में लॉक लगाएंगे। ऐप स्टोर पे आपको चले जाना है और ये ऐप आपको जो है आपके ऐप स्टोर के अंदर मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, आपको ऐप स्टोर पे चले जाना है और यहाँ पे आपको मिलेगा सर्च का ऑप्शन, तो सर्च पे क्लिक कर देना है और सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको सर्च बार में लिखना है शॉर्टकट। ठीक है, इस तरीके से आपको शॉर्टकट नाम से एक ऐप है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ये वाला है, ये आप देख सकते हो, इसको आपको जो अपने आईफोन में डाउनलोड कर लेना है। ये देखिए मैं डाउनलोड के लगा दिया और ये जो ऐप है वो इस तरीके से डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, आप देख सकते हो। अब मैं इसको ओपन करूँगा, जैसे ओपन करेंगे इस तरीके से आपको आपके सामने ऑप्शन ओपन होते हुए दिखाई देगा और यहाँ पे आपको मिलेगा, ओके क्लियर करो DSLR, यहाँ पे आपको मिलेगा नीचे में ये वाला बीच वाला ऑटोमेशन करके, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से आपको बताया जाएगा, ठीक है, तब यहाँ पे आपको क्रिएट पर्सनल ऑटोमेशन पे क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से आपको बोला जाएगा, ठीक है, अलग अलग, तो यहाँ पे आपको काफ़ी तरीके का ऑप्शन मिलेगा, तब आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऐप वाले ऑप्शन पे। अब जो है दोस्तों यहाँ पे जब आप आ जाओगे, अब यहाँ पे आपको जो है जो जो ऐप को जो है लॉक करना है अपने आईफोन में, ठीक है, उस ऐप को आपको सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप पसंद कर लीजिए जिस ऐप को आपको जो लॉक करना है। मैं जो अपने आईफोन में इंस्टाग्राम का जो ऐप है उसको लॉक करूँगा और मेरा जो आईफोन है उसका जो है मैसेजिंग ऐप है उसको लॉक करूँगा। ये देखिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया आईफोन का जो मैसेजिंग ऐप है उसको, इंस्टाग्राम का ऐप और बचा है, चलिए उसको मैं लॉक करने के लिए देख लेता हूँ ऐप लॉक करने के लिए इंस्टा कहाँ है। आप जो सर्च भी कर सकते हो दोस्तों, ये देखिए मिल गया मेरे को, दो ऐप मिल गया। चलिए एक और ऐप को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये जो कैमरा है उसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर डन कर देते हैं। अब डन करने के बाद आपको जो है यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए तीन ऐप मैंने सेलेक्ट कर दिया है, कैमरा, इंस्टाग्राम और मैसेजिंग ऐप। ठीक है, इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको बताया जाएगा, तब आपको जो है करना क्या है, यहाँ पर जो है ऐड एक्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ऐड एक्शन पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर सर्च करना है टाइमर, टाइमर लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्टार्ट टाइमर, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको जो है जो मिनट दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके आपको सेकेंड कर देना है और यहाँ पे एक सेकेंड कर देना है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे टाइमिंग को अपने हिसाब से पसंद कर सकते हो, चॉइस कर सकते हो। यहाँ पे एक सेकेंड मैं एक टाइप कर रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि जब भी मैं जो है ऐप को जो है बंद कर ओपन करूँगा तो लॉक हुए मिल जाएगा मेरे को और उसको अनलॉक करूँगा, और उसको अगर मैं जो है ऐप को बंद कर दूँगा और दोबारा से उस ऐप को जो है ओपन करूँगा तो जो है एक सेकेंड के अंदर में दोबारा से वहाँ पर लॉक हो जाएगा। ये इस तरीके से है। अगर आप जो है 5 मिनट कर दोगे यहाँ पर तो क्या होगा, आप जो है ऐप को चलाओगे, ओपन करोगे, पासवर्ड डाल के अनलॉक कर लोगे, उसके बाद आप जो है उसको अगर बंद कर देते हो और 5 मिनट से पहले पहले ही आप जो उस ऐप को दोबारा ओपन करोगे तो आपका जो है लॉक नहीं रहेगा। इस तरीके से आप सेटिंग कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे मैं 1 सेकंड करता हूँ, यानी कि जब भी मैं ऐप को बंद करूँ दोबारा से जब ओपन करूँगा तो पासवर्ड तुरंत लग जाए। ठीक है, इस तरीके से मैंने 1 सेकंड कर दिया है। अब यहाँ पर फिर से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा आस्क, ये वाला ऑप्शन मिलेगा, आस्क बिफोर रनिंग, ये ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इसको ऑफ कर देना है। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है इसको ऑफ कर देना है और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डोंट आस्क। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसको सिलेक्ट कर देना है। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इस तरीके से बताया जाएगा, फिर आपको जो है रन कर देना है, डन कर देना है। ठीक है, ये हो गया आपका। और यहाँ पे उसके बाद आपको जो है आपका जो आईफोन है उसका जो क्लॉक ऐप है उसको ओपन कर लेना है। क्लॉक ऐप, ये देखिए इस तरीके से, अब यहाँ पर आपको इस तरीके से बताया जाएगा, तब आपको करना क्या है, आपको जो है यहाँ पे नीचे मिल जाएगा इस तरीके से टाइमर वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर देना है। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, ये जो क्लॉक ऐप है उस पर आपको जो है टाइमर पे आ जाना है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आने के बाद आपको नीचे आ जाना है, नीचे में आपको मिलेगा स्टॉप प्लेइंग का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, ये आप कर दोगे फिर यहाँ पर सेट कर दो,
ये आपको कर देना है। ये आप जब कंप्लीट कर लोगे तो आपका जो इस तरीके से कंप्लीट तरीके से आपका जो ये ऐप रहेगा वो लॉक हो गया होगा। अगर मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम ऐप ओपन करता हूँ, ये देखिए, तो इस तरीके से लॉक हो जाएगा मेरा जो है आईफोन, और इंस्टाग्राम को नहीं चला पाऊँगा। यहाँ पर फिर से मेरे को जो है अपना जो आईफोन है उसका जो है फेस आईडी यहाँ पर दिखाना होगा, तभी यहाँ पे जब ऐप जो है ओपन होगा तब मेरा जो है यहाँ पे जो है आईफोन में जो ये ऐप मैंने लॉक लिया लगाया था वो इस तरीके से ओपन होगा। यानी कि मेरे को जो है अपने आईफोन में जो मेरा जो है फेस आईडी है या फिर मेरा पासकोड है लॉक वाला आईफोन का, वो जो है इस तरीके से ओपन हो जाएगा और लॉक करके उस ऐप को बता दिया जाएगा। जैसे ही डालूंगा तो मेरा जो है वो ऐप इस्तेमाल के लिए ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैंने और क्या किया था, इंस्टाग्राम और मैसेजिंग ऐप किया था, ठीक है। तो चलिए मैं जो है मैसेजिंग ऐप को ओपन करके देखता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है अपने आईफोन में मैसेजिंग ऐप है उसको ओपन करता हूँ। यहाँ पर है ये, आप देख सकते हो, ये देखिए। तो जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, ये देखिए मेरा जो आईफोन है वो फिर से लॉक हो गया है। अब मैं इसको ओपन करूँगा, जैसे ही फेस लॉक दिखा के, तो ये ऐप जो है मेरा इस्तेमाल करने के लिए ओपन हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा मैंने कैमरा ऐप को किया था, तो चलिए कैमरा ऐप देख लेते हैं। यहाँ पर है कैमरा ऐप, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए ऊपर में फट से ये लॉगिन करके लॉगआउट मतलब ऐप पे लॉक लगा देता है आईफोन। और यहाँ पे जो है अगर मैं इसको क्लिक करके ओपन करूँगा तो यहाँ पे मेरे को फेस आईडी मांगेगा। फेस आईडी दिखाओ तभी ऐप इस्तेमाल करो, इस तरीके से बोला जा रहा है। और यहाँ पे अगर आप जो है पासवर्ड डाल के या फिर आप जो है अपना जो है फेस आईडी दिखा के इसको ओपन करोगे तो आपका जो है ये ऐप जो है इस्तेमाल करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है अपने आईफोन में किसी भी ऐप में जो है लॉक लगा सकते हो। दोस्तों आपको जो सेटिंग बताया हूँ बारी बारी से अच्छे से देख लेना और सेटिंग कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। अब मान लो दोस्तों आपको जो है और किसी ऐप को जो है यहाँ पर जो है लॉक लगाना है, तब आपको क्या करना है। आपने तो मैंने तो आपको बताया तीन ऐप को कैसे करते हैं, लेकिन अगर आपको जो और करना रहेगा तब आपको क्या करना रहेगा, आपको जो है यहाँ पर शॉर्टकट ऐप पर ओपन कर लेना है इस तरीके से। और यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर आ जाना है, और यहाँ पे आपने जो बनाया था तीन ऐप उस तरीके से आपको दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको जो है मिल जाएगा ऐप को और ऐड करने के लिए ऑप्शन, जो कि आपको मिलेगा सेकेंड नंबर पे, ठीक है। यहाँ पे इस पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऐप जो कि मैंने तीन ऐड किया था, इस पर क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं जो है एकाक कोई और ऐप जो है उसको सेलेक्ट कर देता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पे फेस टाइम ऐप है, उसको मैं इस तरीके से सेलेक्ट कर देता हूँ, डन कर देता हूँ। तो ये देखिए चार ऐप हो चुका है, ठीक है ना। अब जो है अगर मैं जो है फेस ऐप जो फेस टाइम वाला जो ऐप है उसको ओपन करूँगा तो उस पर भी लॉक लगा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मिलेगा फेस टाइम ऐप, ये देखिए। तो ये फट से लॉक हो जाएगा। अरे क्यों नहीं हुआ यार, ओके, इसको मैंने डन नहीं किया है दोस्तों, डन कर देना है। सेव करो पहले तो यार, अच्छे से तभी तो होगा, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। सेव कर दिया, ये देखिए ये लॉक हो गया है अब, ठीक है। यहाँ फेस आईडी डाल दूंगा, एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे ये फेस टाइम ऐप है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये देखिए लॉक हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अपने आईफोन में किसी भी ऐप को लॉक कर सकते हो। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।